हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है VFX Mentor के क्लास में और आप सीख रहे हैं पीएफ ट्रैक। जी हाँ, जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियोस में मैंने आपको पीएफ ट्रैक बहुत ही बेसिक से समझाया है, कैमरा कैसे एक्सपोर्ट करना है, कैसे ट्रैक करना है, कैसे उसे 3D में ले जाना, ये सारी चीज़ें। चलिए एक और फुटेज पर मैं आपको एक नए तरीके से ट्रैकिंग करना, उसको थोड़ा सा ओरिएंट करना, ये सारी चीज़ें बताता हूँ। तो चलिए फिर बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है तो लाइक अभी से कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने यहां पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, टैंक ट्रैक, और इसे मैं यहां पे दे देता हूं एक फोल्डर, और मैंने यहां से डायरेक्टली चूज कर लिया है, और अभी मैं इसको 24 FPS पे रहने देता हूं। एंड हमने नाम भी दे दिया है, तो जस्ट यहाँ पे आकर हम कर देंगे कंफर्म। कंफर्म करने के साथ ही हमें जाना है यहाँ पे, और ये रहा हमारा फुटेज। ये फुटेज अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फुटेज आ गया है, और इस फुटेज को हमें करना है ट्रैक। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि इस फुटेज को, ये 195 फ्रेम का फुटेज है, तो सबसे पहले इसे रेंडर कर लेते हैं। रेंडर करने के लिए आपको जस्ट प्ले पे क्लिक कर देना है और थोड़ा सा आपको वेट करना है, ये तुरंत रेंडर हो जाएगा। ये हमारा रेंडर अभी हो चुका है, तो अभी हमें क्या करना है कि अब हमें इसके ऊपर यहाँ पे ट्रैकिंग करनी है। तो अभी भी मैं ट्रैकिंग ऑटो से ही करूंगा, एंड इसके बाद मैं आपको यूजर ट्रैक भी बताऊंगा कि यूजर ट्रैक कैसे होता है, वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाता हूँ ट्रैकिंग एंड कर देता हूँ इसको ऑटो ट्रैक, और यहाँ पर आकर हम कर लेते हैं लाइक 190 के आसपास, और यहाँ पे कर लेते हैं कुछ ऐसे 90, एंड बाकी सब यहाँ पे हमारा सही है, 195 तक ही रहेगा, सब कुछ सही है। अगर आपको प्रीव्यू करना है तो आप प्रीव्यू करके ऐसे देख भी सकते हो, और जस्ट यहाँ पे ऑटो ट्रैक पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, तो आप यहाँ पे कर दीजिए, और ये बेटर स्पीड को हम बेटर एक्यूरेसी कर लेंगे तो ज़्यादा हमारा बेहतर रहेगा। तो हमने इसको कर लिया, और अब हम कर लेते हैं ऑटो ट्रैक। चलिए अपना ट्रैकिंग हो गया है कंप्लीट, और अभी हमें इसके नेक्स्ट में जो करना है, अभी आप देख सकते हो तो यहाँ पे ट्रैकिंग काफ़ी अच्छे से हुआ है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि अब हमें यहाँ पे कैमरा सॉल्व करनी है, तो चलिए मैं लगा देता हूँ यहाँ पे सॉल्विंग एंड कैमरा सॉल्वर। कैमरा सॉल्वर यहाँ पे लगा देते हैं, और कैमरा सॉल्वर लगने के बाद आपको क्या करना है कि आपको सिंपली यहाँ से, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ से आप सॉल्व ऑल कर दीजिए। इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। ओके, अभी हमारा कैमरा सॉल्व हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैमरा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी सीन की ओरिएंटेशन करनी है, तो हम जाएंगे यहाँ से राइट क्लिक करके यूटिलिटीज एंड ओरिएंट सीन, और ये जब ओरिएंट सीन में हम जाएंगे तो यहाँ पे आप और भी बहुत सारी चीजें, जैसे एक्सिस, अभी तक हमने देखा था यहाँ से रोटेट वगैरह करके भी हम लोग करते थे, लेकिन अब हम यहाँ से करेंगे एक्सिस के जरिए। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एक ओरिजिन फाइंड आउट करना है, एंड बिफोर दैट आप कैमरा सॉल्वर में जाइए पहले, और कैमरा सॉल्वर में जाकर आप चले जाओ एरर में, यहाँ पे कर दो फिट व्यू एंड ट्रिम, एंड ट्रिम करके आप यहाँ से थोड़ा सा एरर को आप ऐसे कम कर दीजिए, तो ये जितने भी एरर होंगे वो कम ऐसे हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और ये मिडिल माउस बटन दबाएंगे, और अगर ऐसे करेंगे तो ये बड़ा छोटा भी होगा। जब आप इसको ट्रिम कर देंगे तो एक बार फिर से आपको इसको सॉल्व करना होगा, एक बार और सॉल्व कर दीजिए इसको। यस, अभी ये सॉल्व हो चुका है, और उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे ओरिएंट सीन। ओरिएंट सीन में आते हैं, एंड सिंपली हम इसको ऐसे पकड़ते हैं, और पकड़ के इसे हम कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं पहले, और इसे हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, और करके इसको कर देते हैं सेट ओरिजिन। ये ओरिजिन आपका यहाँ पे सेट हो गया, एंड ये आपका ओरिजिन लाइन है। तो इसे सेट करने के लिए हम एक्सिस का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना, एक्सिस का हम यहाँ पे हेल्प लेंगे। तो एक्सिस में क्या होगा कि अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्सिस में ये एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स और वाई और जेड को मैंने हटा दिया। तो अभी आपको क्या करना है कि अभी आपको यहाँ पे आना है और इस तरीके से इसको सेट करना है, लाइक ऐसे सेट कर दीजिए, और उसके बाद हमें जेड को करना है, तो जेड को भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे लगाता हूँ, और उसके बाद मैं इसको लगा देता हूँ एक यहाँ पे। तो ये देखिए अभी हमारा यहाँ से ये हो चुका है। अभी हम चले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद अभी मैं एक बार इसको जस्ट प्ले करके देखता हूँ, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। लेकिन आपको
यहां पे तो हमने किया है, थोड़ा सा इधर जाके भी एक बार देख लीजिए. सो दिस इज द एक्स एंड दिस इज द जेड. ठीक है. एंड ये जो है ये बेसिकली वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे अभी हमें कुछ करना वैसे है नहीं, है ना. तो अभी मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं. और यहां पे आप इसको सेट करके आप यहां से ओरिजिन को सेट कर दीजिए. और यहां पे अभी और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे भी हमें सेट करना पड़ेगा. आप यहां से इसको बंद कर दें तो आपको यहां पे जेड एक्सिस जो है वो प्रॉपर, मतलब एक्स एक्सिस जो है वो आपको प्रॉपर मिलेगा. यस राइट एंड सेट ओरिजिन. सो ये देखेंगे अभी यहाँ पे सेट हो गया है. मैं एक बार प्ले करके देख लेता हूं कि ये सेट हुआ है कि नहीं. और ये आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हमारा जो ग्रिड है वो प्लेस हो चुका है और जरा सा भी हिल भी नहीं रहा है. तो ये जो एक्सिस वाला फंडा है ये भी आप बहुत अच्छे से सीन को ओरिएंट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती है यहाँ पे. हम यहाँ पे इसको और छोटा करके देख लेते हैं या थोड़ा बड़ा करके भी देख लेते हैं. और यहाँ से आप प्ले करके पहले देख लीजिए कि आपका ये सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये काफी अच्छे से अटैच्ड हो चुका है. तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां से एक्सिस को हटा के नन कर देना है, जिससे हमारे एक्सिस अभी नहीं दिखने वाला. और अब हम यहां पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और ज्योमेट्री में जाकर टेस्ट ऑब्जेक्ट ले लेंगे. एंड टेस्ट ऑब्जेक्ट में मैं यहां से ले लेता हूं टॉल मार्कर, एड टू सीन करेंगे और यहां से जाकर प्लेस एट सिलेक्टेड प्लेसेस चिपका दीजिए यहां पे, देन डुप्लीकेट, सेट इट हियर, डुप्लीकेट, सेट इट हियर, अगेन डुप्लीकेट, सेट इट हियर, डुप्लीकेट, सेट इट हियर, डुप्लीकेट, सेट इट हियर, डुप्लीकेट, सेट इट हियर. ऐसे हमने यहां पे डाल दिया. और चलो एक और ले लेते हैं, लाइक यहां से एक ले लेते हैं मशरूम, एड टू सीन करते हैं और इसे भी हम इधर कहीं पे डाल देते हैं. अब आप इसको प्ले करके देख लीजिए तो आप देख सकते हो कि आपकी जो सीन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ओरिएंट हो चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से. इवन कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे आपकी नहीं है. सो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ओरिएंट हो चुका है. अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम इसको बंद करते हैं. और ये अगर आप मशरूम नहीं रखना चाहते तो मशरूम को डिलीट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इसे ही आप डुप्लीकेट करके यहाँ पे लगा दीजिए ऐसे, तो आपको यहाँ पर समझने में बहुत आसानी होगा. और 3ds Max में भी ले जाकर ये आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं. तो चलिए अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ. तो एक्सपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट हम यहाँ पे लगा देते हैं और डबल क्लिक कर लेते हैं एक्सपोर्ट पे और सीधा यहाँ पे आएंगे. और मैक्स में ही हमें करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहां पे डाल देते हैं हम ऐसे कैमरा. ठीक है, सेव एंड देन एक्सपोर्ट सीन. सो एक्सपोर्ट सक्सेसफुली हो चुका है ये. चलिए तो अब हमें जाना है 3ds Max में, तो मैं 3ds Max को ओपन कर लेता हूं. सो अभी हमारा यहां पे मैक्स ओपन हो चुका है और अभी हमें क्या करना है कि उस फाइल को यहां पे लाना है. तो मैं डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूं. चलिए अच्छा, सबसे पहले एक हमारे पास यहाँ पे ये कैमरा है, तो इस कैमरे को मैं सबसे पहले यहां से ड्रैग करूंगा और सीधा मैक्स में ले जाके ड्रॉप कर दूंगा. सो ड्रॉप कर दिया मैंने, कैमरा हमारा यहाँ पे आ गया है. और अभी मुझे इसके साथ ही साथ यहाँ पे IFL फाइल जो होता है वो भी लेकर आ जाना है, ताकि यहां से ये जो फुटेज है वो भी हमारा यहाँ पे दिख जाए. और यहाँ पे आपको एनवायरमेंट मैप में नहीं करना है और ओके कर दीजिए. तो ये देखिए यहाँ पे फुटेज भी आ गया. अब आपको क्या करना है कि अब आपको यहां से सबसे पहले एक सीन एक्सप्लोरर लेना है. ये सीन एक्सप्लोरर आ गया और यहां पे देखेंगे कि आपका जो ग्रिड है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा दिख रहा है, वो मैच नहीं दिख रहा है. तो मैं क्या करने वाला हूं कि सिंपल यहां से PF डेटा ये जो है इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपल यहां पे स्केल करूंगा और इसे मुझे इस तरीके से इसे बड़ा कर देना है. तो जैसे ही हम यहां पे बड़ा करेंगे हमारा जो ग्रिड है यहां पे आ जाएगा. ये देखिए हमारा ग्रिड यहां पे आ चुका है, अभी एकदम एग्जैक्टली जो ग्रीड है यहाँ पे आ गया. और यहाँ पे भी आप देखोगे तो ग्रीड आपका एकदम परफेक्ट यहाँ पे बैठा हुआ है.
अगर आपको लगे कि थोड़ा सा इधर उधर है तो आप यहां से रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं, यानी कि सीन ओरिएंटेशन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी तक हमारा ये सब कुछ सही है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसको सिलेक्ट करना है, इसे हाइड करने के लिए। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करूंगा और कर दूंगा यहां से सिलेक्ट सिमिलर। सो बिफोर दैट आपको इसे पहले सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करिए और यहां से कर दीजिए सिलेक्ट सिमिलर और इसे कर दीजिए हाइड सिलेक्टेड। तो ये अपना हाइड हो गया। हम चाहें तो इसे भी हाइड कर सकते हैं, लेकिन इसे अभी हाइड नहीं करेंगे क्योंकि इसको हाइड कर देंगे तो फिर हम यहाँ पे कोई भी चीज बिठा नहीं पाएंगे, मुझे ये चीज समझ नहीं आएगा। तो अब क्या करना है कि अभी चलो यहाँ पे सिंपल सा एक चीज बनाते हैं, एंड सिंपली एक यहां से ले लेते हैं टीपोट, और टीपोट लेकर यहाँ पे ऐसे हम बना लेते हैं। ठीक है, बन गया टीपोट, और इसकी हम सेगमेंट थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं ताकि एकदम परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, हो गया ये। सो यहां पे ये अपना बन चुका है अभी। अब आपको क्या करना है कि अब सिंपल इसको थोड़ा सा साइड कीजिए और इसे अलाइन कर दीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से इसे अलाइन कर दीजिए इसके साथ। जैसे इसके साथ करेंगे एक्स वाई जी पोजिशन आ गया, एंड पीवोट पीवोट पॉइंट भी आ गया, एंड जस्ट यहां पे इसको कर दीजिए ओके। और अब अगर आप इसको प्ले करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं कि ये इसके साथ ही प्ले होगा। और यहां पे चलिए मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। तो ग्रेटर देन साइन से प्ले करेंगे बिकॉज यहां से ये अपडेट नहीं लेगा, तो मैं ग्रेटर देन साइन से करता हूं और आप देख सकते हो कि यहां पे ये काफी अच्छे से ये चीज यहां पे ट्रैक हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए ये अभी ट्रैक हो चुका है इसके साथ, ये देख लो। तो इस तरीके से हम मैक्स के अंदर में वो सीन को ओरिएंट करेंगे, वहां पे चीजों को कुछ भी चीज क्रिएट, यहां पे कोई भी चीज आप क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहो तो पूरा का पूरा टैंक खुद से क्रिएट कर सकते हो और क्रिएट करके भी उसे दिखा सकते हो। कैसे क्रिएट करेंगे चलो मैं थोड़ा सा वो भी आपको दिखाई देता हूं। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल यहां से आपको एक लेना है बॉक्स, ऐसे एक बॉक्स ले लीजिए। ठीक है, और मैंने ऐसे एक सिंपली यहां से ऐसे एक बॉक्स ले लिया, और इस बॉक्स को भी हमें क्या करना है कि इसे अलाइन कर देना है, लाइक यहां पे ऐसे अलाइन कर दीजिए आप ओके। एंड अलाइन करने के बाद आप इसको मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी मूव कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये हो गया। और अब आपको क्या करना है कि अब आपको इसे राइट क्लिक करनी है एंड इसको कर देना है कन्वर्ट टू एडिटेबल पोली। कन्वर्ट टू एडिटेबल पोली हो गया। हम आते हैं यहाँ पे वर्टेक्स में। अब हमें यहाँ पे चारों पोर्शंस को देखना होगा, तो हम इसको इसे सिलेक्ट करते हैं एंड सिलेक्ट करके सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आर प्रेस करेंगे और आर प्रेस करके इसे थोड़ा सा ऐसे बड़ा करेंगे ऐसे। ठीक है, कर लिया। उसके बाद हम एज में जाएंगे और एज को यहां से ऐसे सिलेक्ट करेंगे और इसे यहां से शिफ्ट दबा के लाइक आप इसे ऐसे नीचे भी ला सकते हैं। सो अभी मुझे क्या करना है कि यहां पे आना है आपको और आके आप इसे सेलेक्ट कीजिए लाइक इसे सेलेक्ट कीजिए आप एक काम कर सकते हो, आप यहां पे पूरे एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो ऐसे और इसके नीचे वाला जो पोर्शन है उसे हमें हटाना है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको पर्सपेक्टिव बनाऊंगा पहले और नीचे मैं जाऊंगा यहां पे ऐसे और इसे मैं डिलीट कर दूंगा। कर दिया डिलीट। और अभी क्या करना है, अभी इसको ऐसे सिलेक्ट करना है एंड शिफ्ट दबा के मैं इसको नीचे ले आता हूं। ये देखिए हो गया ये। अब मुझे थोड़ा सा इधर जाना है लाइक इस साइड जाएंगे और थोड़ा सा इसको इधर भी हम कर सकते हैं, इसे पकड़ेंगे और इसे पकड़ के भी थोड़ा सा ऐसे डाउन कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे एक मॉडलिंग भी कर लिया है एंड मॉडलिंग अभी और भी परफेक्टली करनी पड़ेगी, मैं जस्ट आपको रफली यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और अभी आप यहाँ से जाइए और प्ले करके इसको चेक कीजिए, तो ये देखेंगे कि आपका जो मॉडल है और आपका जो ये जो चीज़ आपने यहाँ पे बिठाया है टीपोट, दोनों ही परफेक्टली इसके साथ जा रहा है, यानी कि परफेक्ट ट्रैक ये अभी हो चुका है, परफेक्ट ट्रैक हो चुका है, देयर इज नो इशू। ये आप देख सकते हैं यहां पे, और इसकी आपको मॉडलिंग अच्छे से करनी होगी। अगर आप मॉडलिंग इसकी अच्छे से कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहां पे अच्छे से एकदम बकायदा
आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, कैमरा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और 3ds Max में लाकर इसे फिट कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी मॉडलिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम यहाँ पे कैमरा को एक्सपोर्ट करके और वो भी एक्सिस के जरिए ओरिएंट कर सकते हैं और 3ds Max में लाकर कुछ इस तरीके से हम मॉडल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी हमसे चैट कर सकते हैं और सब कम्युनिटी मैंने बना कर रखा है आप लोगों के लिए, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।